नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एनकाउंटर की एक और नई वीडियो में। थोड़े पिछले कुछ दिनों से जो है इनकंसिस्टेंट थे उसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़े बहुत कमिटमेंट आ गए थे उसके लिए सॉरी। लेकिन गाइस वी आर बैक विद द बैंग वीडियो और हमारे रिटेंशन सीरीज का दूसरा एपिसोड है। और इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि भैया 5 times IPL चैंपियन यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है फर्स्ट चॉइस में अपने कौन से 5 players को रिटेन करने वाली, कोर में बरकरार रखने वाली है, या रोहित शर्मा रिटेन होंगे या फिर नहीं होंगे, कप्तानी कौन करने वाला है, RTM कार्ड किस पर यूज होने वाला है, बहुत सारी मन में आपकी क्यूरियोसिटी होगी। लेकिन सारी क्यूरियोसिटी जो है क्लियर इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, कमाल, लाजवाब होने वाला है, अप्रतिम हमेशा की तरह होने वाला है, डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप भी IPL 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, IPL के फैन हो, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सब तक पहुंच जाए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंट्रो के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो की तरफ बढ़ते, उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय पर बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या रोहित शर्मा रिटेन होंगे या फिर ट्रेड होंगे या फिर रिलीज होंगे। भाई साहब क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट आ रही है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी मालिकों से बात हुई है रोहित शर्मा की, उन्होंने तो भाई साहब ये कह दिया है कि इट डिपेंड्स ऑन मुंबई इंडियंस रिलीज। अगर मुंबई इंडियंस की टीम उनको रिलीज कर देती है तो ही कुछ बात बन पाएगी। और मैं आपको बता दूं मेगा ऑक्शन के दौरान जो है ट्रेडिंग विंडो एलिजिबल नहीं रहती है, इन एलिजिबल रहती है। तो यहां पर जो है रोहित शर्मा के कोई चांसेस नहीं है रिलीज होने के। और डेफिनेटली यार मुंबई इंडियंस की टीम भी नहीं चाहेगी कि उनको रिलीज कर दे, क्योंकि बहुत उनके रिलेशन बॉन्ड वगैरह भी अच्छे हो चुके हैं हार्दिक पांड्या से और अंबानी से भी। तो यहाँ पर जो है रोहित शर्मा को लेकर अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि वो रिलीज हो रहे हैं। चलिए गाइस अब टॉपिक पर आ जाते हैं, 5 retention की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चॉइस, सबसे फर्स्ट चॉइस जो कि मुंबई इंडियंस की टीम के डेफिनेटली रहने वाला है, जो कि है भैया रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को जो है एज अ प्लेयर मुंबई इंडियंस की टीम डेफिनेटली रिटेन करने वाली है। और ये लगभग कंफर्म्ड हो चुका है, क्योंकि इतने महान खिलाड़ी को जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है उसको अब टीम नहीं छोड़ने वाली है। और अब तो थोड़ी बहुत रेपुटेशन भी हाई हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया रिलेशन और बॉन्ड वगैरह भी जो है अच्छे हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है रोहित शर्मा एज अ फर्स्ट चॉइस रिटेन होने वाला है मुंबई इंडियंस की टीम को। इतना महान टीम बनाया इन्होंने, भाई साहब लाजमी है यहाँ पर रोहित शर्मा का रिटेन होना। उसके अलावा जो है दूसरा प्लेयर जो कि रिटेन होने वाला है, थोड़ा बहुत रिलीज निकल जाता है, रिटेन होने वाला है जो कि है भाई साहब सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360 डिग्री सूर्य दादा, जो है इंडियन टीम के कैप्टन भी बन चुके हैं। सूर्य दादा की चमक अलग है, सूर्य दादा की धमक अलग है, और जब इनके बल्ले और गेंद का संपर्क हो तो इनकी खनक अलग है। तो यहाँ पर जो है मिस्टर 360 डिग्री भी रिटेन होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और अच्छा खेलते हैं ये इंडियन टीम में भी, मतलब अच्छी कप्तानी कमान अच्छी संभाली थी इन्होंने। और हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है इनको मतलब एज अ कैप्टन कप्तानी के एंगल से देख रही है, कप्तानी से जो है मतलब कंसीडर कर रही है। तो आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा किसे होना चाहिए कैप्टन, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी सेकंड चॉइस जो है सूर्य कुमार यादव के रूप में रहने वाली है। तीसरा खिलाड़ी जो कि भाई साहब रिटेन होने वाला है वो है निहाल वदेरा। अकॉर्डिंग टू रूल आपको जो है एक अनकैप्ड प्लेयर भी रिटेन करना है, तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम के अनकैप्ड चॉइस में बहुत अच्छी चॉइस रह सकती है निहाल वदेरा के बाद। जिस तरह से एंटीसिपेशन नजर आ रहा था एज अ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, भाई साहब काबिलियत तारीफ था। और इनके पास जो है मतलब वो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत बहुत अच्छी है, अच्छी हिटिंग एबिलिटी है इनके पास जो है, मतलब पेसर्स को, लेफ्ट हैंडेड पेसर्स को खेलने की बहुत अच्छी तकनीक है और अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा था। आपको क्या लगता है गाइस, एज अ अनकैप्ड प्लेयर मुंबई इंडियंस की टीम किसे प्रेफर कर रही है, निहाल वदेरा या फिर कोई और प्लेयर? आप भी अपनी राय जो है फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके अलावा चौथा नाम जो कि निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की टीम जो है डेफिनेटली इनको करने वाली है रिटेन, वो है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। वो बुमराह को जो है मुंबई इंडियंस की टीम अपने लिस्ट में रखने वाली है। और जसप्रीत बुमराह की तो कोई बात है नहीं बोलने की, ज्यादा जरूरत है नहीं। जिस तरह से ये लेजेंडरी परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह से ये जड़ में यॉर्कर डालते हैं, डेप्थ ओवर और शुरुआती झटके, पावर प्ले की बात करो भाई साहब, इनके पास सभी टेक्निक है, माइंडसेट के साथ खेलते हैं और अपने आप को ये सबसे ज्यादा फिटेस्ट प्लेयर भी बताते हैं इंडियन टीम के। तो आपको क्या लगता है कौन है फिट और कौन होगा रिटेन, आप भी अपनी राय फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आखिरी रिटेंशन जो कि मुंबई इंडियंस की टीम का रहने वाला है वो है हार्दिक क्लच पांड्या। लास्ट ईयर इट्स अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बिहेवियर बाय ऑडियंस, और जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था, जिस तरह से बूइंग किया जा रहा था, और उन सबका जवाब जो है जिस तरह से इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान बल्ले और गेंद के साथ दिया है ना,
भाई साहब कमिटमेंट के साथ जवाब देना एक बहुत ही अलग लेवल की फील रहती है। और हार्दिक पांड्या ने कह दिया है कि भैया आप तो ट्रोलिंग वगैरह कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप सभी को जवाब जो है बल्ले और गेंद के साथ मिलेगा। और उन्होंने मुंह से जवाब नहीं दिया, बल्ले और गेंद के साथ जवाब दिया। तो यहाँ पर जो है मुंबई इंडियंस की टीम इनको प्रेफर कर रही है एज अ रिटेंशन, और अब कप्तानी देती है या फिर नहीं उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन गाइस ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं एज अ ऑलराउंडर, आपको अच्छी पारी खेल कर दे सकते हैं, और परफॉर्मेंस तो आप मतलब देख ही लिया, दाद देनी पड़ेगी परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छे प्लेयर है। और मुंबई इंडियंस की टीम की लास्ट चॉइस हार्दिक पांड्या के रूप में रहने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सवाल आ रहा है कि भैया आरटीएम कार्ड जो है किस पर यूज होने वाला है, तिलक वर्मा या फिर टिम डेविड। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर जो है आप अगर तिलक वर्मा के साथ जाते हो तो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। लेफ्टी बल्लेबाज, इनके पास स्टेबिलिटी जिस तरह से है खेलने की, भाई साहब इनका कमिटमेंट बहुत शानदार लगता है मुझे, और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं हिटिंग एबिलिटी है, एक शतक भी जड़ चुके हैं मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से। और यहाँ पर जो है अगर आप टिम डेविड को प्रेफर कर रहे हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बड़ी कशमकश चलने वाली है कि भैया कौन होगा, टिम डेविड होगा या फिर तिलक वर्मा होगा। आपको क्या लगता है गाइस, इन माय पर्सनल ओपिनियन तिलक वर्मा हो सकते हैं। भविष्य को देखते हुए मुंबई इंडियंस की टीम जो है तिलक वर्मा के साथ जा सकती है, जिस तरह से इन्होंने जसप्रीत बुमराह को बनाया है, जिस तरह से हार्दिक पांड्या का जो है मतलब फ्यूचर बनाया है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है तिलक वर्मा बहुत अच्छे मतलब ऑप्शन हो सकते हैं। और टिम डेविड के पास भी एक थोड़ा बहुत एडवांटेज है हिटिंग एबिलिटी का, लेकिन गाइस थोड़े विदेशी विकल्पों पर मतलब ध्यान नहीं देती मुंबई इंडियंस की टीम। आपको क्या लगता है गाइस, आरटीएम कार्ड जो है किस पर यूज होना चाहिए, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये तो था पूरा पांच रिटेंशन, रोहित शर्मा को लेकर गया न्यूज थी वो भी क्लियर हो चुकी है, और आरटीएम कार्ड किस पर यूज होने वाला है वो भी क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, आप भी बताइए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले नमस्कार, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो सब तक पहुंच जाए। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।